नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आदिल दुर्रानी के वकील नीरज गुप्ता की। आपको बता दें कि आज आदिल दुर्रानी के केस में अंधेरी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। लंच ब्रेक के बाद राखी सावंत ने जैसे ही आदिल दुर्रानी के वकील को देखा तो आदिल दुर्रानी के वकील आखिरकार क्यों वहां से भाग खड़े हुए, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट पहुंचने से पहले भी राखी सावंत लगातार यही कह रही थी वो किसी भी कीमत पर आदिल को जमानत नहीं मिलने देंगी। इसके साथ राखी ने यह भी मांग रखी कोर्ट के आगे कि आदिल को सिर्फ और सिर्फ पुलिस रिमांड में ही रखने का फैसला सुनाया जाए। ऐसे में जब आदिल दुर्रानी के वकील नीरज गुप्ता से सवाल पूछा गया जमानत को लेकर तो वो कहते हुए नजर आए कि लंच ब्रेक के बाद वो सबूत सामने रखेंगे कोर्ट के और उन्हें उम्मीद है कि उनके मुवक्किल को बेल जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये जवाब देते ही वो वहाँ से अचानक से गायब हो गए, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो भी जानते हैं कि आदिल को बचाने के लिए उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है। हालांकि अब ये तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।